आजाद भारत में औरंगजेब रोड क्यों, मुगल क्यों, अकबर क्यों? जो अकबर भारत के नहीं थे, कहीं और के थे, ये तो मुझे पहली बार पता चला। ये दीनदयाल उपाध्याय व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी यहाँ पर भी चालू हो गई क्या दीपक? ना ना, भारतीय नहीं थे अकबर, नहीं थे। चलिए आज दीनदयाल, हेलो, अच्छा दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में एक नई चीज सीखने मिल गई। मुझे नहीं पता था इस यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ते हो। उनके पूर्वज तो अच्छी बाबर में पढ़ा हूँ, प्लीज मैं उसकी चिंता मत करिए, मैं अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हूँ। और मुगल, मुगल भारतीय नहीं थे प्लीज। नहीं सर, आपकी बातें कर रहा हूँ, मैं आपकी बातें कर रहा हूँ जो आपके गेस्ट है। नहीं सर, सर 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 मैं जी सर, बाबर को छोड़ते बाकी सब लोग जो उस वक्त का यूनाइटेड इंडिया था, यूनाइटेड भारत था, उसमें उन्होंने वो पैदा हुए थे। खैर, अगर आपको लगता है कि वो भारतीय नहीं थे, कोई बात नहीं। लाल किला जो शाहजहां ने बनाया, मोदी जी को कहिए कि वहाँ जाकर नहीं बात करें, अपना वो स्पीच ना दे, कोई दिक्कत नहीं है। ताजमहल को डिमोलिश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम भारत को अफगानिस्तान की तरह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जहाँ वो बुद्धा के स्टैचूज को तोड़ा गया था। हम भारत को कहाँ ले जाना चाहते थे और ये क्यों हो रहा है? मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, क्योंकि आज पेट्रोल के दाम करीबन 100 रुपये, क्योंकि भारत जो मनमोहन सिंह जी की हुकूमत में तीसरी दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी थी, सुरेंद्र राजपूत या कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है, वो आज 164th रैंक पे पहुंच गया 193 देश में से। तो नरेंद्र मोदी जी को और उनके लोगों को इस डिस्कशन से भागना है, इसलिए नरेंद्र मोदी जी झूठ बोलते हैं। एक लास्ट चीज करते, अपनी बात समाप्त करता हूँ। दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार है, इस देश के सबसे बड़े पत्रकारों में से माने जाते हैं, आपकी बहुत रिस्पेक्ट है। सर, आपको नरेंद्र मोदी साहब ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि प्रज्ञा ठाकुर जिसने गोडसे को एक देशभक्त का उसे दिल हृदय से माफ नहीं करेंगे। क्या किया नरेंद्र मोदी साहब ने उसके बाद? 10 दिन में अमित शाह जी एक्शन लेने वाले थे, कुछ नहीं किया। और इस 30 जनवरी को गोडसे जिंदाबाद के ट्रेंड हो रहा था, प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं बोला, उनके सपोर्टर्स ट्रेंड कर रहे थे, वो वेरीफाइड हैंडल्स जिनको मोदी जी फॉलो करते। आप सोचिए इस देश को कहां ले जा रहे मोदी जी? ये सवाल मुझसे नहीं सर, ये सवाल आपसे। आपको मोदी जी ने कहा था कि मैं एक्शन लूंगा।